बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा, जिलाधिकारी महेंद्र कुमार ने 18 लोगों के घायल होने की है पुष्टि। एका थाना क्षेत्र ग्राम नगला भूर से बारात लेकर इटावा जा रही थी बस, बच्चे बूढ़े समेत सभी के आई चोटें। 4 लोगों की गंभीर स्थिति देखते हुए सैफई किया गया रेफर। डीएम एसपी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिला अस्पताल इमरजेंसी पहुंचे। घिरोर थाना क्षेत्र के कोसमा रेलवे क्रॉसिंग की घटना 8 बजे के आसपास की है, इसमें से 4 लोग थोड़ा गंभीर रूप से जख्मी है, वो सैफई रेफर किए गए हैं। वहाँ SDM सैफई और SDM करल और AVM साहब वहीं पर सैफई में है, वहाँ प्रशासन से बात हुई है। बाकी 14 लोग यहाँ जिला अस्पताल में आए, जिनको फर्स्ट एड यहाँ दिया जा रहा है जिला अस्पताल में। कुल कितने लोग सर जख्मी हुए हैं? जख्मी जो अभी तक का जो है वो 18 लोग का है, उसमें से ड्राइवर और 3 लोग और वो थोड़ा गंभीर सीरियस है, वो सैफई रेफर किए गए हैं। वहाँ पर हमारे SDM करल AVM साहब और पुलिस टीम पूरी वहाँ पर देख रेख कर रही है। बाकी हमारे कप्तान साहब यहाँ पे हैं, पूरा CMO साहब CMS साहब पूरी टीम लगी हुई है पूरी। क्या सर जी, बस कहाँ जा रही थी? बस ये फिरोजाबाद से इटावा जा रही, शादी की।